हेलो एवरीवन, कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम है आप सभी लोग का हमारे चैनल रचना सिन्हा पर। तो फ्रेंड, तो हमारे घर पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। तो हम लोगों के खुरपाती दिमाग में कुछ आइडिया आया कि क्यों ना, सब कुछ मटेरियल आया हुआ, तो ये बेहतरीन गमला जो है आप देख पा रहे हैं, तो इसे बनाया जाए। और सीमेंट का गमला फ्रेंड, अगर आप बाहर लेने के लिए जाओ तो काफ़ी कॉस्टली जो है ये मिलते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो इस कारण से आपके पास अगर घर पे मटेरियल है तो आप इसे 20 रुपये के मात्र लागत से आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, तो इसका प्रोसेस आपको पूरा देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो मैं चली आई हूँ बालू चालने के लिए यहाँ पर, तो क्योंकि बालू चालना पड़ेगा फ्रेंड आपको, बाहर का आया हुआ बालू है तो इसमें मिट्टी कंकड़ जो है वो रहेंगे। तो आप पूरा मेन इसका जो है वो निकाल लें, बालू चाल करके इस टाइप का कर लें और थोड़ा सा गड्ढा बना लें बीच में। और इसके बाद फिर हम लोग इसमें सीमेंट डालेंगे। सीमेंट आप उसी अनुसार डालिएगा, 3:1 का रेशियो रखिएगा। तो अब बारी आता है फ्रेंड इसमें सीमेंट डालने का। तो मैं इसमें सीमेंट डाल रही हूँ। अगर आप जिस चीज़ से भी नाप रहे हैं तो जितना तीन डिब्बा जो है, अगर आप बालू लेते हैं तो एक डिब्बा जो है आप सीमेंट लीजिएगा। तो इस टाइप का जो है प्रोसेस आपको रेशियो जो है वो रखना पड़ेगा, तो तभी ये बन पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ये टोटली आपका बकेट के साथ ये चिपक जाएगा और बकेट भी बर्बाद होगा और ये भी बर्बाद होगा। तो इसीलिए पूरा सावधानी के साथ करना है और पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो आपको गलती नहीं होगा, आप अच्छे से बना पाइएगा घरों पर। और इस टाइप से मिक्स करते हुए एक बात और फ्रेंड बताना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल हो तो ज़रूर पहने हाथों में। हमारे पास नहीं था तो हमने यूज़ नहीं किया था, तो आपके पास होगा तो आप ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि इससे जो है ना सीमेंट से हाथ पूरा ये आपका आपके स्किन जो है वो डैमेज हो सकते हैं सीमेंट से, तो इसे थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा आपको। फिर इसमें हम लोग पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है फ्रेंड कि ये गीला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। आपको इसको मीडियम में रखना है और इसका जो है मटेरियल जो है, तो इसमें फ्रेंड आप एक बार में पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। तो इससे क्या आपको अंदाज़ा रहेगा, पता भी चलेगा कि कितना जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से आपको मिक्स पूरा करना है, सीमेंट बालू जो है वो पूरा अच्छे से मिल जाना चाहिए। कुछ इस तरह का आपको रखना है अपना बना करके मटेरियल को, तभी ये जो है अच्छे तरीके से ये बन पाएगा आपका। तो ये फ्रेंड लगभग अब ये तैयार हो चुका है इसका मटेरियल बनाने के लिए। तो आप देख लीजिएगा, कंकड़ वगैरह एक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी रहेगा तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, टूट सकता है। और इसके बाद एक हम लोग कोई खाली पोट लेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डालेंगे फ्रेंड। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सीमेंट जो है वो डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे फ्रेंड क्योंकि इसका घोल जो है हम लोग रेडी कर रहे हैं अलग से। घोल को आपको रेडी करके रखना पड़ेगा ताकि ये जो मटेरियल जब आप बनाओगे तो वो सटे नहीं, चिपके नहीं आपके प्लास्टिक के मटेरियल में। तो हमारा मटेरियल जो है वो रेडी हो चुका है। तो घोल आपको फ्रेंड ना ज़्यादा, इसको भी ज़्यादा गीला नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, थोड़ा हल्का मीडियम करके रखिएगा कि ताकि जो है पूरा जो है गमले में जो जो भी शेप अगर जिसमें भी हम लोग पॉट में डाल रहे हैं तो वो पूरा कवर हो जाना चाहिए सीमेंट से। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो बालू वाला जो सीमेंट रहेगा वो चिपक जाएगा आपके पॉट पे और फिर वो उखड़ेगा नहीं। तो सीमेंट का घोल देने से ये होता है कि आपको निकालने में ईजी होगा। तो इसके बाद हम लोग फ्रेंड ये मैं सरसों तेल इसमें लगा करके कपड़े से और इसको पूरा जो है इस पॉट में लगाऊंगी। जिस भी आपको पॉट में आपको शेप देना है उसे आप ले आइए और उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा।
और उसमें फिर तेल जो है, तेल में आप फ्रेंड कोई भी तेल डाल सकते हैं, कोकोनट भी डाल सकते हैं, या फिर आप सरसों तेल है, या आपके घर में मोविल है वो भी डाल सकते हैं। तो इससे चिकनाहट जो है वो बनी रहती है। और इसके बाद जो है अब इसमें घोला डालने का बारी आता है। तो ये सीमेंट का जो घोला जो हमने बनाया था, तो इसे पूरा डालकर और इस टाइप से घुमाते हुए पूरा मतलब बकेट में हमको भरना है कि ताकि कहीं से भी ये रहे नहीं। आपको थोड़ा सा भी रह जाएगा तो दिक्कत होगा, निकालने में आपको दिक्कत होगा, बन तो जाएगा लेकिन आपको निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब का सावधानी आपको पूरा रखना पड़ेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसका घोला पूरा प्रॉपर होना चाहिए फ्रेंड, तभी ये होगा। और इसे सूखने के लिए भी हम लोग, तो पूरा घुमाने के बाद फ्रेंड इसको सीमेंट जो भी बच रहा है अंदर से वो आप डालते जाएं। और देखिए अगर घोला गला आपका पतला ज़्यादा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा सीमेंट और मिला करके आप इसे थोड़ा गढ़ा कर ले और तब ये चिपक जाएगा पूरी अच्छे तरीकों से। तो आपको मैं दिखाऊंगी इसे पूरा करने के बाद इसको कैसा मतलब रखना है। आपको एक भी स्पेस जो है अंदर में नहीं दिखना चाहिए पूरा। तो अब हम इसमें फ्रेंड ये होने के बाद अब जो मटेरियल जो है हम लोग इसमें डालेंगे, जो बनाया है मटेरियल को आप उतना ही बनाइए जितना आपको यूज करना है, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा और ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। तो देखिए ये इस टाइप का आपको कंसिस्टेंसी जो है उसका रखना पड़ेगा। और आपको जो है बकेट का आधा जो है आपको फ्रेंड ये मटेरियल जो है वो भरना पड़ेगा। आधा से भी कम आप ले सकते हैं, उतना भी नहीं लेना। और मैं तो यहाँ हाथों से ही कर रही हूँ। तो इसको फ्रेंड आधा जो है वो भर लीजिएगा। और भरने के बाद मैं यहाँ पे अब करनी ली हूँ। और आप बोलेंगे कि ये अब हम लोग कहाँ से लेके आए, तो मैं फ्रेंड मिस्त्री जी जो थे वो काम कर रहे थे तो उनसे मैंने मांग के थोड़ा टाइम के लिए ले आया है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे कोई भी चीज़, चिकना चीज़ जो होता है जैसे बोतल वगैरह शीशा का जो होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कलछी वगैरह जो होता है तो आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, तो उससे भी ये हो जाएगा। आपको सेफ ही देना है फ्रेंड, तो आप हाथों की भी मदद से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी भी कर रही हूँ। तो ये हाथ से ही जनरली क्या होता है ना, हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हाथ का ज़्यादा हैबिट हो रहता है करने का, तो वही है मेरा हाथ ही इसमें ज़्यादा चल रहा है। तो इस टाइप से पूरा फैला लीजिएगा फ्रेंड। और इसमें थोड़ा मेहनत तो लगेगा आपको करने में, पूरा शेप देने में थोड़ा टाइम टेकन है। तो और फिर मैं करनी का मदद से इसे चिकना कर रही हूँ। तो आप इसके जगह बोतल भी ले सकते हैं या बॉल जो घर में आप देखते हैं फ्रेंड, तो बॉल का भी यूज आप कर सकते हैं। जो बच्चे लोग जो बॉल खेलते हैं, मैं उसका बात कर रही हूँ, और उसे भी आप चिकना कर सकते हैं। कोई भी चीज़ से लेके आप उसको चिकना करना है बस। और इसका शेप जो है उस टाइप से दे देना है। और फिर उसके बाद फ्रेंड इसे इतना मतलब रखना कि देख लीजिएगा कि बीच में कहीं गैपिंग वगैरह तो नहीं दिख रहा है, कहीं ब्रेक वगैरह तो नहीं है। तो आपको इस टाइप का पूरा चिकना रखना, जैसे गमला का शेप होता है पूरा शेप उसी टाइप का आपको देना है। और बीच में ड्रेनेज के लिए आप इसमें छेदा कर सकते हैं फ्रेंड, और कर लीजिएगा क्योंकि बाद में दिक्कत होगा। अगर बाद में आप करते हैं तो ये टूटने का डर रहता है, तो आप पहले ही किसी रड या किसी लकड़ी से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सूखने के बाद, तो 2 दिन इसे पूरा सूखने के बाद, तो आपको फ्रेंड ये याद रखना है धूप में ज़्यादा नहीं देना है इसको, इसको छांव में ही रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 2 दिन के बाद ही आप इसे निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो 2 दिन के बाद अब इसको हम लोग निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमने कितना सारा गमला जो है वो हम लोगों ने बनाया है। तो कोई छोटा बड़ा किसी भी शेप में, आप कोई भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल जो है प्लास्टिक का है, या आपके पास कार्डबोर्ड भी है तो आप कार्डबोर्ड में किनारे से आप सेलो टेप वगैरह भी साट करके भी बना सकते हैं।
ये देखिए मैंने एक निकाला है, तो इसमें सीमेंट जो है वो किनारे किनारे से छोड़ दिया फ्रेंड। वो इसलिए हुआ क्योंकि पानी का जो नमी है वो इसमें आ गया था, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और मैं छोटा वाला जो गमला जो है वो निकाल रही हूँ। तो निकालने का प्रोसेस फ्रेंड आपको ये करना है, आपको थोड़ा सा टैप करना है पीछे की ओर, और उसके बाद फ्रेंड पलटने के बाद इसको थोड़ा थपथपाना है, और नहीं निकलता है तो फ्रेंड फिर आपको इसको धूप में, आप इसको फिर बाद में रखिएगा उल्टा करके, नहीं तो फिर गर्म पानी जो है आप इस पे डालिएगा तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे टैप टैप करने के बाद फ्रेंड इसे धीरे धीरे ही निकालिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा तो टूट सकता है। तो ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा छोटा सा गमला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है सीमेंट का। तो आप इस तरह से बहुत सारे गमले जो है बना के घर में आप रख सकते हैं रेलिंग पे और छत्ते पे, तो काफ़ी खूबसूरत इसमें सुंदर सुंदर प्लांट वगैरह जो है आप लगा सकते हैं। और जो फ्रेंड जहाँ जहाँ से सीमेंट जो है आपको निकला हुआ दिख रहा है तो उसे आप बाद में भी रिपेयर कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा सीमेंट का घोला मार कर या थोड़ा सा बालू डालकर आप उसे फिर से शेप में ले आइएगा, तो वो प्रॉपर अच्छे से बन जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं जिस टाइप का मैंने 3-4 प्लास्टिक का जो गमला था उसी गमले में जो है ये सब डाल के निकाला गया है, तो इस टाइप का शेप भी जो है वो उसी अनुसार ले लिया है। तो काफ़ी सुंदर गमला जो है ये बन के रेडी हो जाता है, तो आप अपने घरों में बना सकते हैं और ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं लगेगा आपको। बस आपका बालू तो मिल ही जाता है फ्रेंड, सीमेंट ही आपको लाना रहता है, तो सीमेंट तो आप थोड़ा सा ले आइए और बहुत सारे गमले जो है इसमें बन जाएंगे आपको। आप जिस टाइप का शेप का भी चाहते हो उस टाइप का बन जाएगा। ये देखिए ये सबसे बड़ा गमला जो है, ये सब में अड़हुल का पेड़ वगैरह या जो बड़े बड़े पौधे होते हैं वो सब आप लगा सकते हैं। और ये देखिए ये है हम लोग का रेक्टेंगल साइज का हम लोग ने बनाया है, तो सब में हम लोगों ने पेंट वगैरह जो है वो कर दिया है। और इसके बाद ये तो अभी हम लोग ने प्राइमर मारा है सफ़ेद कलर का, इसके बाद फिर इसके बाद इसमें हम लोग पेंट करेंगे कलरफुल, तो काफ़ी खूबसूरत जो है ये बन जाएगा। टोटल जो है फ्रेंड 21 गमले जो है अभी बन चुके हैं, तो काफ़ी धीरे धीरे हम लोगों ने डेली दो 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 करके बनाया, तो बहुत सारे गमले जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो कुछ गमले जो है अभी सूख रहे हैं, तो ये सूखने के बाद फिर इसको पेंट किया जाएगा, और जो अभी जो बना है इसको थोड़ा अभी ड्राई होने देते हैं। और जब ये फ्रेंड पूरा सूख कर जब निकल जाएगा उसके बाद आपको इसको धूप देना है, धूप लगाना और थोड़ा सा इसमें पानी का जो छिड़काव है वो करना है आपको। करने के बाद आप इसे धूप में छोड़ दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा मजबूत जो है ये सीमेंट का गमला जो है आपका बनकर रेडी हो जाएगा। और बाद में जो है फ्रेंड अगर आपको गोरी डालना है तो ये देख सकते हैं आप बगल में छोटा छोटा कप है, तो इसमें भर के आप इसमें गोरी जो है वो लगा सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड आपको मेरा गमला कैसा लगा। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।